का विधानसभा चुनावों को लेकर जनता के बीच पहुंचा जा रहा है दूरदर्शन मध्य प्रदेश। हमारे संवाददाता हर जिले में मतदाताओं के मानस को टटोल रहे हैं। महाकौशल अंचल के सिवनी में क्या है जनता का मूड और क्या है यहां की प्रमुख समस्याएं, आइए रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के जनादेश पर आज हम खड़े हैं सिवनी में, जानते हैं जनता का क्या मूड है चुनाव को देखते हुए। आप बताएं क्या लग रहा है आपको? सिवनी में जो है सर उद्योगों की कमी है और उद्योग यदि आते हैं जिस हिसाब से सरकार डबल इंजन की रही है और यदि आगे रहती है तो उद्योग रहेंगे तो रोजगार जो बाहर जाता है वो मेरे को लगता है नहीं जाएगा। आप क्या रखते हैं? भैया सिवनी है कृषि प्रधान देश, यहाँ ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा है तो यहाँ कृषि संबंधित उद्योग डाले हैं, बाकी फैक्ट्री वगैरह डाले हैं तो बहुत अच्छा है। आप क्या अपेक्षा रखते हैं जनप्रतिनिधि से? देखिए विकास उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से जनता आगे बढ़ना चाहती है। हम तो 10 साल पीछे वाले विकास में चल रहे हैं, हमको और ज्यादा अपग्रेड चीजें चाहिए और ज्यादा फास्ट विकास चाहिए। शहर का विकास भी बिल्कुल निम्न स्तर का है, छोटी छोटी सुविधाएं भी बहुत लंबे समय लेती हैं विकास। क्या आवश्यकताएं हैं हमारे यहाँ की और आप क्या उम्मीद रखते हैं? मूलतः रोजगार, रोजगार के साधन सिवनी में नहीं है। हम बात करते हैं मॉडल मान के चलते हैं छिंदवाड़ा को, छिंदवाड़ा में अगर उद्योग लग सकते हैं तो सिवनी में क्यों नहीं। 1000 एकड़ का इंडस्ट्रियल स्टेट है, केंद्र प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है और दोनों जगह भाजपा की सरकार होने के बाद निश्चित तौर पर 1000 एकड़ का अगर बनाया गया है, राज्य शासन ने स्वीकृत किया है तो ये कहीं ना कहीं सोच समझ के कि यहाँ पर उद्योग लग सकते हैं, पर 10 सालों से सिर्फ 22 उद्योग लग पाए हैं। रोजगार की समस्या मुख्य यहाँ सिवनी में है। आप क्या रखते हैं जनप्रतिनिधि से अपेक्षा? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यहाँ की जनता की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए। जो मूल मुद्दा ये भी है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार जो महज आवश्यकता है उसके लिए संसाधन होना चाहिए, उद्योग खुलना चाहिए। जैसे हमारे पड़ोसी जिले हैं, पड़ोसी जिलों को देख के लगता है कि सिवनी का विकास अभी रुका हुआ है। आपको क्या लगता है जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ सक्रिय नहीं रहे या क्या वजह है जैसा सब लोग विकास की बात कर रहे हैं कि नहीं हो पा रहा? नहीं, जनप्रतिनिधियों का सक्रियता तो कम रही है परंतु उसमें जनता का भी हाथ है कि उनने वो अपेक्षा उनको व्यक्त नहीं की। यहाँ सबसे जरूरत तो यह है कि कोई भी जनप्रतिनिधि को अपने कर्तव्य के प्रति उसका निर्वहन करना चाहिए और उसमें सबसे पहला कि यूथ के लिए हायर एजुकेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो ताकि उनको रोजगार मिल सके और किसानों के लिए उन सारी योजनाओं को जो सरकार संचालित करती है उनका लाभ मिले और सिंचाई वगैरह व्यवस्था, तो वो समृद्ध होंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा। क्या वजह है कि सिवनी पिछड़े में गिना जाता है अपने आसपास के जिलों से? लंबे समय से सिवनी को एक अच्छे राजनीतिक नेतृत्व की कमी महसूस हो रही है। यदि हम बात करें सिवनी के इतिहास पे तो सिवनी जिले में बुआ के नाम से विख्यात दिमला वर्मा, उर्मिला सिंह और ठाकुर हरवंश सिंह के बाद ऐसा कोई नेतृत्व नहीं मिला जो प्रदेश और राष्ट्र स्तर पे सिवनी की बात को दमखम के साथ रह सके। इसका कारण है कि आज सिवनी में उच्च शिक्षा नहीं है। कृषि प्रधान होने के बाद भी सिवनी में कोई कृषि विश्वविद्यालय या ऐसी मतलब कृषि की शिक्षा नहीं मिल रही है जिसमें कृषि अर्थशास्त्र, कृषि तकनीकी की शिक्षा छात्रों को मिले और वो एक नया आयाम स्थापित कर सके। आपको क्या लगता है क्यों विकास नहीं होगा? विकास नहीं होने का कारण सबसे मूल बात है कि यहाँ का जो युवा है वो युवा काम ही नहीं करना चाहता। मेरे को लगता है सब युवा नेता बन के खम्भों में टंगे हैं। उसके बाद जनप्रतिनिधि जो भी आए सब जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बातें करते हैं, वो दोनों राष्ट्रीय दल हों चाहे दूसरे हों, क्योंकि यहाँ का जनता केवल वोटर बन के रहेगी, वोटिंग के अलावा यह कुछ नहीं चाहते हैं। और कोई काम के लिए बोले तो कह देते कि हमारे बस में नहीं है, ऊपर सरकार नहीं है। कहाँ रुका है विकास, क्या लगता है? देखिए जनता और जो जनप्रतिनिधि दोनों की विकास में भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि वोट यदि जनता डालती है तो प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है और प्रतिनिधि हम कहते हैं यदि प्रतिनिधि कोई विकास नहीं करता है तो जनता की जिम्मेदारी है कि उसके कपड़े फाड़े, उसके घर में जाए और धरना दे और उसको ये बताए कि हमने आपको वोट दिए, हमारी वोट पे आप आए हैं तो आपको विकास करना पड़ेगा, चाहे आपकी सत्ता हो या सरकार हो आपको विकास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि क्या वजह है जो लोग विकास सिवनी में नहीं हो पा रहे? देखिए विकास की बात करें तो ये विकास की जो बात होती है सिर्फ चुनाव के समय में होती है। जब चुनाव आते हैं तो युवाओं को जोड़ा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जाती है और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाती है।
तो जब तक चुनाव रहेगा तब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार की बात होगी, लेकिन जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर नहीं है, योजनाओं को लाया नहीं जाता। चुनाव के बाद क्या होता है कि नेता भी अपनी जमीन पे आ जाते हैं और जो कार्यकर्ता है वो भी सो जाता है। आप कुछ विशेष बताना चाहते हैं? जी, मैं विशेष ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में और हमारे शहर में या कहीं भी प्रदेश में अब मुद्दा ये नहीं है कि हमको फ्री का सिलेंडर, फ्री में अनाज, फ्री में चावल और फ्री में बिजली चाहिए। मुद्दा ये है कि हमें विकास चाहिए, मुद्दा ये है कि हमें रोजगार चाहिए। हमारे वोटों की खातिर हमारे जो प्रतिनिधि मतदाताओं को खरीदते हैं और वो शर्मनाक है कि मतदाता 500 रुपए में बिकता है, उसकी 5 साल की कीमत 1 रुपए कुछ पैसे होती है, वो अपनी कीमत को आंके और ऐसे जनप्रतिनिधि को हमारे शहर के लिए खड़ा करें जो हमारी परेशानियों को समझे और आगे आए। आज के समय में हमारे दोनों ही राष्ट्रीय दलों में जो प्रतिनिधि मैदान में आए हैं, एक हमारे पूर्व विधायक जी हैं और दूसरा युवा चेहरा जो हमारे शहर की मांग है, तो कांटे की टक्कर है दोनों में, इसीलिए अभी ये कह पाना तो मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत विचारों से यही उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो भी सरकार हो वो फ्री की योजनाएं बंद करके एक स्थायी दायित्व का निर्वहन करें, क्योंकि हम मध्यम वर्गीय परिवार अपने टैक्स पटाते हैं, अपने टैक्स देते हैं, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे टैक्स फ्री की योजनाओं में बांटने के लिए नहीं है, वो देश के विकास के लिए है और देश के विकास में रखना चाहिए। इसीलिए हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो ये फ्री का बांटना बंद करके हम सभी का ध्यान रखे और सबको एक ही तराजू में तोले। यहाँ अमीर गरीब कोई नहीं है, देश का मुद्दा है, यहाँ सब बराबर है। कुल मिला के अगर अभी हमने जितने लोगों से बात की, इनका यही कहना है कि देश में विकास नहीं हो पा रहा, बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, तो ये देखना है कि आगे हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं। प्रशांत शुक्ला, DD News।